नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। जिस मनोहर का बजट को पूरे देश को इंतजार था, वो सीएम ने शुक्रवार को विधानसभा में पेश कर दिया। कोरोना काल के दौरान मनोहर सरकार का ये पहला बजट है। इस बार का बजट 1,55,645 करोड़ का है, यानी पिछले साल की तुलना में 13% ज्यादा। बजट में मनोहर सरकार ने कृषि क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा। बजट में किसानों के लिए क्या खास है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सीएम मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री गठबंधन सरकार का बजट टैब के जरिए पेश किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 12:04 पर गणपति वंदना से बजट भाषण शुरू किया। बजट भाषण 2:38 पर खत्म हुआ, यानी बजट भाषण 2 घंटे 34 मिनट का रहा। भाषण शुरू करते ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट राज्य के सांसदों, विधायकों और तमाम वर्ग के लोगों के सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। प्रदेश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाना इस बजट का मुख्य उद्देश्य है। सीएम ने बजट में कृषि वर्ग का खास ध्यान रखा है। बजट पेश करते हुए सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मेहनत और परिश्रम से हरियाणा को देश का खाद्यान्न भंडार बनाया है। स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे की पहचान उन प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में की है, जिन पर हमें रिकवरी और पुनरुत्थान के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अप्रत्याशित सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के इस समय में स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान देना सर्वोपरि है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है और हमारी आत्मनिर्भरता का मुख्य आधार है। हरियाणा के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किसानों को सहायता जारी रखने की आवश्यकता है। यह बजट किसानों की आय बढ़ाने, फसल विविधीकरण तथा जल संरक्षण के माध्यम से कृषि के लिए हमारे हस्तक्षेपों और योजनाओं पर बल देने का प्रयास है। इन पहलों को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाकर ही पोषित किया जा सकता है। फिर चाहे वह स्वास्थ्य नेटवर्क का विस्तार हो, टीकाकरण की पहुंच बढ़ाना हो, परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और इसी तरह के अन्य कार्य हों, खेत पर ही प्रसंस्करण की अवसंरचना विकसित करना हो या फिर फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई, विशेषकर सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो, रेल और सड़क अवसंरचना लॉजिस्टिक्स प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो अर्थव्यवस्था की रिकवरी और पुनरुद्धार को सुनिश्चित कर सकती है। राज्य की अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष निवेश करना बेहद जरूरी है। सीएम ने किसानों के लिए बजट में कई खास प्रावधान किए हैं, जिसमें हर खेत स्वस्थ खेत विशेष अभियान चलाया जाएगा, फसल चयन की सुविधा पर बल दिया जाएगा, अप्रैल 2021 से मृदा नमूनों का संग्रहण और जांच बड़े पैमाने पर, किसानों के घर जाकर मृदा जांच सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे, मंडियों सरकारी भवनों में 17 नई स्थैतिक मृदा जांच प्रयोगशालाएं खुलेंगी, 59 मिनी मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी, 115 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालयों का चयन। इसके अलावा सीएम ने भूमि सुधार को लेकर और जोर दिया, साथ ही फसल खरीद के आंकड़े भी पेश किए, जिसमें 2021-22 में कम से कम 1,00,000 एकड़ भूमि सुधार का प्रस्ताव, मार्च 2021 तक 500 किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य, 486 किसान उत्पादक संगठन बनाए जा चुके हैं, मार्च 2022 तक 1,000 संगठन स्थापित किए जाएंगे, 2020-21 में 74.01 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद हुई, 2020-21 में 7.49 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद, 2020-21 में 56.07 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद, 2020-21 में 7.76 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद, 2020-21 में खरीद के लिए 29,950 करोड़ का भुगतान किसानों को किया गया, अन्य हितधारकों को भी करीब 1,800 करोड़ रुपए का भुगतान।
सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यही वजह है कि कृषि क्षेत्र के लिए पिछले बजट की तुलना में इस बार काफी बढ़ोतरी की गई है। पूर्ण है कि उन विशिष्ट क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए जो विशेष रूप से संकट के समय अर्थव्यवस्था में उछाल के लिहाज से अति आवश्यक हैं। हमने स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे की पहचान उन प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में की है, जिन पर हमें रिकवरी और पुनरुत्थान के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अप्रत्याशित सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के इस समय में स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान देना सर्वोपरि है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है और हमारी आत्मनिर्भरता का मुख्य आधार है। हरियाणा के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किसानों को सहायता जारी रखने की आवश्यकता है। यह बजट किसानों की आय बढ़ाने, फसल विविधीकरण तथा जल संरक्षण के माध्यम से कृषि के लिए हमारे हस्तक्षेपों और योजनाओं पर बल देने का प्रयास है। इन पहलों को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाकर ही पोषित किया जा सकता है। फिर चाहे वह स्वास्थ्य नेटवर्क का विस्तार हो, टीकाकरण की पहुंच बढ़ाना हो, परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और इसी तरह के अन्य कार्य हो, खेत पर ही प्रसंस्करण की अवसंरचना विकसित करना हो या फिर फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई, विशेषकर सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो, रेल और सड़क अवसंरचना लॉजिस्टिक्स प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है जो अर्थव्यवस्था की रिकवरी और पुनरुद्धार को सुनिश्चित कर सकती है। राज्य की अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष निवेश करना बेहद जरूरी है। आंकड़ों के मुताबिक कृषि एवं किसान कल्याण के लिए 2021-22 में कुल 6,110 करोड़ रुपए प्रस्तावित, पिछले बजट से 20.9% अधिक। कृषि एवं किसान कल्याण के लिए 2,998 करोड़ रुपए, पशुपालन एवं डेयरी के लिए 1,225 करोड़ रुपए, बागवानी के लिए 489 करोड़ रुपए। जाहिर है किसान आंदोलन के बीच सीएम ने कृषि क्षेत्र के लिए तोहफे का पिटारा तो खोल दिया है। किसानों के आमदनी बढ़ाने के लिए कई योजनाओं को शुरू किया गया है तो कई योजनाओं का विस्तार हो रहा है। अब देखना यह है कि किसान बजट के प्रावधान से कितने संतुष्ट हो पाते हैं। चंडीगढ़ से विपिन परमार के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। मनोहर बजट में सिर्फ कृषि ही नहीं बल्कि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। सीएम ने शिक्षा से लेकर खेल के लिए विशेष प्रावधान किए। बजट में शिक्षा के विकास के लिए 18,410 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। बजट में पुलिस विभाग को 5,769 करोड़ रुपए दिए गए। इसके साथ ही बिजली और सड़क निर्माण जैसे क्षेत्रों के लिए भी अच्छी खासी रकम का प्रावधान किया गया। मनोहर बजट में किस विभाग को कितना मिला, इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। जब सीएम विधानसभा में बजट पढ़ने के लिए खड़े हुए तो प्रदेश में हर वर्ग की निगाहें उनकी तरफ थी। हर कोई कोरोना की मार के बाद मनोहर सरकार से मरहम की उम्मीद कर रहा था और सबके बीच सीएम ने भी किसी भी वर्ग को निराश नहीं किया। सीएम ने तमाम विभागों के बीच रकम का बंटवारा बहुत ही दूरदर्शी तरीके से करने की कोशिश की। बजट परिवय में 38,718 करोड़ का खर्च राजस्व खर्च के लिए 1,16,927 करोड़ रुपए। 2014-2020 तक की अवधि में हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक औसत दर 6.24% रही, जो 2014-15 के 3,70,534 करोड़ 51 लाख रुपए से बढ़कर 2020-21 में 5,28,069 करोड़ 75 लाख करोड़ रुपए हो गई है। दूसरी ओर इसी अवधि के दौरान अखिल भारतीय वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक औसत दर 4.28% रही। परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की हिस्सेदारी निरंतर बढ़ी है। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 2020-21 में 7.96% का संकुचन हुआ है। इसकी तुलना में
हरियाणा में 2020-21 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में केवल 5.65% संकुचन दर्ज किया गया। शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए बजट बढ़ाने की मांग हर वर्ग कर रहा था और सीएम ने भी प्रदेश वासियों की गुहार पर मुहर लगाते हुए शिक्षा के बजट को बढ़ाया है। शिक्षा के लिए 18,410 करोड़ रुपए का प्रस्ताव, 2020-21 से ये प्रस्ताव लगभग 17.8% अधिक था। प्राथमिक शिक्षा के लिए 9,014 करोड़ रुपए, माध्यमिक शिक्षा के लिए 5,899 करोड़ रुपए और उच्चतर शिक्षा के लिए 2,793 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वहीं तकनीकी शिक्षा के लिए भी 705 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत 8,000 से लेकर 12,000 रुपए प्रति वर्ष तय किया गया है। वहीं 2.5 लाख तक वार्षिक आय वालों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। कानूनी सहायता के लिए 11,000 की जगह 22,000 रुपए मिलेंगे। और इसके अलावा नई पेंशन योजना की अगर बात करें तो नई पेंशन योजना को भी समझिए। बुजुर्गों को 2,500 रुपए प्रति माह मिलेगा। विधवा, लाडली, दिव्यांग, निराश्रित महिला, किन्नर, बौना भत्ता के रूप में अब 2,250 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। बेसहारा बच्चों को भी 1,350 रुपए प्रति माह मिलेंगे, जबकि ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं और स्कूल नहीं जाते हैं 1,650 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। दिव्यांग महिला, निराश्रित महिला, दिव्यांग पेंशन, लाडली, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, किन्नर व बौना भत्ता के रूप में प्रति मास 2,250 रुपए वितरित किए जा रहे हैं। बेसहारा बच्चों को 1,350 रुपए प्रति मास और स्कूल नहीं जाने वाले दिव्यांग बच्चों को 1,650 रुपए प्रति मास की वित्तीय सहायता वितरित की जा रही है। विभिन्न योजनाओं के 28.17 लाख लाभार्थियों के खातों में PFMS के माध्यम से पेंशन वितरित की जा रही है। समाज के बुजुर्गों की समस्याओं के दृष्टिगत और उनके प्रति अपार सम्मान व्यक्त करते हुए मैं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता इस वर्ष 1 अप्रैल से 2,500 रुपए करने की घोषणा करता हूं। अब आपको बताते हैं कि किस विभाग को कितनी रकम का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 4,606 करोड़ रुपए, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए 2,136 करोड़, आयुष विभाग के लिए 315 करोड़ रुपए, कर्मचारी बीमा एवं स्वास्थ्य देखभाल के लिए 238 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया। इसके साथ साथ सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग को 143 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। विदेश सहयोग के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के लिए 281 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जबकि कला एवं संस्कृति विभाग के लिए 19 करोड़, आयोजना विभाग के लिए 446 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसके अलावा पुलिस विभाग के लिए 5,779 करोड़ का प्रावधान, नगर एवं ग्राम आयोजना के लिए 1,121 करोड़, पर्यटन के लिए 113 करोड़, खनन एवं भू विज्ञान के लिए 131 करोड़ का प्रावधान, जबकि पुरातत्व एवं अभिलेखाकार के लिए 73 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। कौशल विकास की अगर बात की जाए तो कौशल विकास विभाग को 868 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। रोजगार के लिए 884 करोड़, श्रम विभाग के लिए 71 करोड़, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के लिए 139 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। परिवहन विभाग के लिए भी इस बजट में 2,865 करोड़ का प्रावधान है। खेल विभाग के लिए 7,731 करोड़ का प्रावधान, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के लिए 3,402 करोड़, सिंचाई विभाग के लिए 5,081 करोड़ का प्रावधान। कोरोना काल में पूरे देश में आई मंदी के बाद इस बजट में भरपाई की पूरी कोशिश की गई। हालांकि विपक्ष सरकार के नए बजट से नाखुश दिखा, लेकिन देखना ये है कि प्रदेश की जनता के लिए 2021-22 का बजट कितनी राहत दे पाता है और सरकार बजट के बाढ़ से विपक्ष की बोलती बंद कर पाती है या नहीं। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से विपिन परमार के साथ दीपक शर्मा की रिपोर्ट।
बजट में सीएम मनोहर लाल ने हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के लिए बजट में कुछ नहीं है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुताबिक बजट में लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की गई। वहीं सरकार के मंत्रियों ने बजट को हर वर्ग के हित वाला बताया। कैसे बजट को लेकर गरमाए प्रदेश की सियासत, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बजट का निष्कर्ष ये है। सीएम ने विधानसभा में बजट पेश किया तो नेता विपक्ष ने लगे हाथ बजट पर अपनी राय भी दे दी। जी हाँ, बजट को लेकर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। सरकार के मुताबिक ये ऐतिहासिक बजट है। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ कर दिया कि कोरोना काल की कठिनाइयों के बीच बजट तैयार करना आसान नहीं था, लेकिन बजट में प्रदेश के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। लोन लेने की एक सहूलत थी जो पिछली बार डेट हमने प्रपोज किया था, उसमें से इतना हमने नहीं लिया। केंद्र सरकार ने एक नया प्रावधान दिया है कि इस बार उस लोन को आप आगे के लिए भी अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं अगले साल में उसका उपयोग कर सकते हैं। वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट को भ्रम का जाल करार दिया और बजट को दिशाहीन बताया। गवर्नर एड्रेस की तरह पड़ा गया, बजट की तरह नहीं। इट वॉज मोर ऑफ ए गवर्नर एड्रेस देन बजट। लेकिन इतना लंबा बजट स्पीच हुई, एक विजन कोई नहीं, नो कोई विजन नहीं है। सिर्फ प्रयास किया गया लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, जगलरी ऑफ वर्ड्स फिगर्स। हुड्डा के सुर में सुर मिलाते हुए कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने भी बजट को लेकर निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि बजट में कुछ भी खास नहीं है। जुमले हैं, नए जुमले और निकाल दिए, सबका खेत, स्वास्थ्य खेत, पता नहीं क्या क्या है, तो जुमले ही इतने होते हैं, भगवान ही जाने। पब्लिसिटी पे जरूर इन्होंने पैसा दिया है, टूरिज्म का बिल्कुल नाश कर दिया, जो है जिसके अंदर आपको नौकरियां मिल सकती हैं, वहाँ टूरिज्म को 118 करोड़ ऐसे कुछ दिया है, 100 करोड़ जो है SYL के लिए रख दिया, जो पहले 100 करोड़ आपने रखे हैं पिछले 6 साल से आप रखते आ रहे हैं, उनका क्या हुआ उसका कुछ हमारे को नहीं बताया। विपक्ष भले ही बजट को लेकर सवाल खड़े कर रहा हो और बजट में प्रदेशवासियों का कोई हित न होने की बात कह रहा हो, लेकिन सरकार के मुताबिक बजट ऐतिहासिक है, शानदार है और प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाला है। तरीके से आगे ले जाने के लिए और खास तौर पर हर वर्ग को स्ट्रेंथन करने के लिए एक विजनफुल बजट आया है। जिस प्रकार से चाहे नई सड़कों के निर्माण की बात हो, ग्रामीण अंचल और हमारे पंचायतों को ताकत देने के लिए 1500 करोड़ की एडिशनल बजटरी अलॉटमेंट हो, हिसार एयरपोर्ट और उसके साथ साथ चारों एयरपोर्ट को नाइट लैंडिंग के लिए इक्विप करने की बात हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए एडिशनल 25% इजाफा हो, हमारे जो म्यूजियम्स पेंडिंग पड़े थे बहुत लंबे समय से उनको गति देने की बात हो, रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर के साथ साथ दो शहरों में रेलवे फ्लाईओवर की बात हो, ये तमाम चीज़ें दर्शाती है कि हरियाणा प्रगति के पथ पर चल रहा है और एक विजन के साथ इस बजट को वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री ने पेश किया। 100% एलोकेशन बढ़ी है, शानदार बजट है, कृषि सिंचाई ग्रामीण विकास पे पूरा फोकस है और बहुत ही काया पलटने वाला बजट है। कृषि पे 21% बढ़ोतरी, अभूतपूर्व बढ़ोतरी है, सिंचाई पे, कृषि पे वेयर हाउसिंग बनाने की योजना है, मछली पालन के लिए बजट बढ़ा है, पशुपालन के लिए बजट बढ़ा है और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लिए शानदार बजट है। नहीं, पहले से जो कोरोना काल